मैंने आपका ब्लेंडेड बंडल का चैनल को मैं हैंडल करने वाली हूँ। अभी टेक ओवर मैंने कर लिया है अभी, क्योंकि आपका ब्लेंडेड बंडल है बीमार। देखिए ये कल जा रही है, कल भी नहीं आज से समझ लो सुबह 4 बजे, और उसके बाद इसका हालत देखो। नहीं हाँ बुखार लग रहा है तुमको देख के डायरेक्ट, पता नहीं क्या क्या पिक किया। नहीं हाँ बस ये बैग लेके जा रही है क्योंकि क्योंकि वो बीमार है ना अभी, तो वहाँ पे रुको ये, क्योंकि उसको उतरने के साथ साथ सीधा हॉस्पिटल जाना है। नेहा की मम्मी ने ये भेजा था मेरे हाथ में, तो ये नेहा पहन के देख रहा अच्छी लग रही है, कलर इतना मैच हो रहा है यहाँ को भी। मैंने अब बीमार होने के बाद भी तुम पाव से नहीं होता है कपड़ा का, हम बहुत प्राउड था। अच्छा अभी हम बहुत प्राउड हो बैग पे ना, तो देखेगा मैं चला हम सफर ये दूरियां भी क्या ले जाएगा, मिले या ना मिले आते जाते रहना तू अपना मर्जी। कब आएगा तुम वापस वैसे? नहीं हम तो फ्लाइट में सो जाएगा। पहली बार मुझे 10 रुपये का पानी का बोतल एयरपोर्ट में 10 रुपये का ही मिला। मैंने रास्ते में मैं ढूंढ रही थी कि 10 रुपये वाला पानी बोतल ले लेती हूँ, क्योंकि मेरा बैग ऑलरेडी बहुत भारी है, तो मैं 1 लीटर वाला नहीं लेना चाहती थी। तो रास्ते में मिला नहीं, मैंने सोचा ठीक है एयरपोर्ट से ले लेंगे, पर मेरा एक्सपेक्टेशन था कि कम से कम 70-80 रुपीज़ तो होगा, पर मुझे 10 रुपये में मिला। हम खुश हो गए। अभी पर पीऊँगी नहीं, ठंडा है, थोड़ा वेट करूँगी जब तक ये नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि मुझे फीवर है बहुत ज़्यादा वाला, मतलब फीवर से ना तो पूरा बॉडी पेन होता है और ऐसा हो रहा है सब, मतलब सांस नहीं ले पा रही मैं। हाँ और पता नहीं कैसे पहुँचूँगी मैं, पहले मुझे आसाम जाना है, गुवाहाटी बुनू से मिलना है, फिर वहाँ से पासीघाट जाना है मम्मी और रिक्की से मिलने। मैं 10 रुपये का पानी बोतल मिल के खुश हो गई थी, पर ये चाय मुझे 200 रुपये का पड़ा, तो सब इवन हो गया। अब मैं हमेशा क्या करती हूँ कि जब भी चेक इन वेक इन हो जाता है मैं गेट नंबर के पास आके बैठती हूँ, पर इतनी तबीयत ख़राब हो रही है कि मैं पहले गेट नंबर मेरा 51 है, ठीक है, तो मैं गेट नंबर 20 पर रुकी, थोड़ी देर बैठी, फिर अभी गेट नंबर 45 पर बैठ के चाय पी रही हूँ, मतलब चाय ख़त्म करके फिर आगे बढ़ूँगी, ऐसे धीरे 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 बढ़ रही हूँ आगे। हाय अभी हम लोग जा रहे हैं बुनू का पीजी, बुनू मुझे खाना बना के खिलाएगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो बाहर का नहीं खा रहे हम, और इसने मेरा बैग भी उठा लिया। इधर आओ, किधर जाने, इधर जाने या इधर? ये बुनू का पीजी, बुनू तुम कहाँ बैठ के पढ़ता है? इधर ही इधर भगवान, इधर बुनू का मंदिर, मंदिर को नीचे भी करने से भी होना था, अलग आदमी आने से इधर में। और ये बुनू का अलमारी, और अलमारी यहाँ रखा है, ये फिर कोई और रहता है ना। थैंक यू, बाय बुनू, बाय बाय। खाना वाना खा लिया, मैं सो के उठ गई, अभी बुनू मुझे छोड़ने जा रही है, बस आने वाला है, बोला ना भारी वाला बैग उठा के रखा है। बुनू ऐसे साइड वेज खड़ा होता साइड से, तुमसे डबल लग रहा बैग, कमर दर्द हो जाएगा जरा, दो हमको, हम क्यों दर्द होगा कमर, अपना जिंदगी का बोझ उठा रही है। मैंने तुम थोड़ा प्रे कर दो कि मतलब हमको बस में बैठते ही ऐसा लगे कि पहुंच गए, कभी कभी होता है ना ऐसे, कभी कभी होता है बहुत लंबा, उसमें आपको नींद आना है, कभी कभी बहुत लंबा, ये तो झंडा तो पहले से पियर्सिंग तो नहीं अंदर में था, क्लास 8 में किया था ये,
हाय गाइस, और मैं आई थी 4 दिन पहले और मैं आज उठी हूँ बिस्तर से। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई पता नहीं चला, क्योंकि 17 आवर्स का बस था गुवाहाटी से पासीघाट का, तो ना रात को बारिश भी हुई तो मैं भीगी भी, तो मुझे बुखार चढ़ गया और 4 दिन तक बुखार उतरा ही नहीं। मुझे पता नहीं फ़ोन कहाँ था, मैं कहाँ थी, मैं बस इतना याद है कि हॉस्पिटल में मुझे ड्रिप चल रहा था, उतना मुझे याद है। और आज थोड़ा मुझे ऐसा हो रहा है कि मतलब हाँ उठ के बैठ पा रही हूँ, नहीं तो फिर तो मेरी हालत ही नहीं हो रही थी कुछ भी करने। आई थी कुछ दिनों के लिए, अब दिन पूरे ही हो गए बीमारी में, 1-2 दिन में फिर जाए कल या परसों निकल जाऊंगी मैं। क्या हो गया किसको? दुखी तो नहीं हो गया था? मामा आया आया हो क्या? मामा खेली खेली नहीं क्या ना एक के साथ क्या था? इतना साल का बाद मिला था मामा से, इतना साल का बाद मिला था। कितने साल का बाद? 10 साल का बाद, 10 साल का बाद मिला था। नहीं छोड़ेगा, ऐसे ऐसे दबाव के रखेगा, ऐसे दबाव के रखेगा, नहीं छोड़ेगा। दर्द होने से भी होने दो, नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। बेटा का मुंह देखेगा, उठ के लेजी होला, छुपा छुपा लेजी होला था। योगा कर लो, योगा आप टेंशन योगा योगा कर के लेट गया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 2 घंटा लगा के मैंने बैम्बू से एक गेट बनाया, एक एक तार बांध बांध के ऐसे, मेरा हाथ सूज गया, कट गया, पता नहीं क्या क्या। यही वाला गेट बनाया ताकि कि यहाँ से सीढ़ियों से नीचे ना जा पाए। और मैं एक चीज़ दिखाती हूँ जुगाड़ियर को, मैंने इसका हुक कैसे बनाया है। इसको ऐसे तो ये गेट खुल जाएगा, और अब बंद करने के लिए मैंने इसको यहाँ से खींच के यहाँ पे घुसा के ऐसे, तो हो गया बंद। अभी कि नीचे नहीं जा पाएगा, मम्मी को परेशान नहीं करेगा, नहीं नहीं करेगा, नहीं 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 करेगा। चलो पूछ देखो, बहुत गर्मी हो रहा है ना, नहीं नहीं करेगा। आओ चल, आओ नहीं नहीं कम कम। ये हिकी का फेवरेट जगह, यहाँ से हटता ही नहीं है। हिकी दिखाओ, नहीं नहीं कर लिया ना अभी, देखिएगा कितना छापा हो गया। चल 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 और चल चल। अरे कहाँ गया? अरु आपका भी दुकान में ऐसा लगाएगा क्या? था झंडा लगा लिया सिटी नगर में, लगाते तो सब दुकान में। क्यों कहाँ से लेके लगाते हैं ना, कोई डेट चाची चलो क्या? हाँ यह में इस वाले रास्ते में आसपास में कुत्ता नहीं है? मम्मी मेरी चंपी कर ली अभी, मेरे बाल के बारे में बहुत दुखी हो रही है देख के। क्या हो गया तुम्हारे बाल को? वैसे तो नहीं थे। गाना गाओ, ऐसे बाल में तेल लगाते हैं, मैं गाना गाता है ना मालूम। पिया तो से मैं अपने बेटी के लिए से गाना गा के नहीं लगाता कि तेल क्या गाना कुछ भी ऐसे प्यारा सा जिसको सुन के ऐसे लोरी तेल लगाते समय एक प्यारा गाना। पिया तो से नैना लागे रे, क्या हो अब आपका फेवरेट पुराना गाना? मेरा
जैसे कि कोरा कागज था, पसंद नहीं है। और तब तो परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया। फूलों में कलियों में गाँव की गलियों में हम दोनों बदनाम होने लगे हैं। आप ऑयलिंग करना भूल गए। पहले का लाइन मारने का स्टाइल ना। तूने काजल लगाया दिन रात हो गए, और इसमें लड़की लोग फंस जाता था। मुझे इतना सुंदर बोला अभी कल क्या है ना, क्या पता नहीं था। आजकल कोई लड़की पटाता ही नहीं। लड़की पटाता है बोलता, मतलब लड़की जो पहले तो लड़की तो पटाने से शर्म लगता था, डर लगता था। अभी लड़की जो हमको कौन पटाएगा बोल के रुकता है। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। क्या बात हो गई, मैं नहीं पटती। क्या बात हो गई, हमको चाहिए कि हमको पटाए कोई बहुत। हमको पटने में मतलब कि पटाते रहो जब तक थकेगा नहीं तब तक पटाते रहो। तब ऐसे फील होता है कि हम लड़की है। वो क्या है कि मतलब कि आओ पटा लो, ऐसे थोड़े होते हैं ना। कुश्ती लड़ रहे, कुश्ती आराम से आराम से। सिम्बा को उठने नहीं दे रहे।